नमस्कार, बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के संक में आपका स्वागत है। आइए एक नजर आज के समाचार पर। बोकारो इस्पात संयंत्र में 105 ACTT एवं OCTT प्रशिक्षुओं ने दिया योगदान। 0 वेस्ट की अवधारणा के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान। बोकारो इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन के ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग में 105 ACTT या OCTT प्रशिक्षुओं ने योगदान दिया। प्रशिक्षुओं का 3 सप्ताह का लोकल इंडक्शन प्रोग्राम का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन तथा सुरक्षा शपथ के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अधिशासी निदेशक मानव संसाधन एवं अतिरिक्त प्रभार संकार्य श्री राजन प्रसाद के साथ मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री हरि मोहन झा, महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री नीताबा उपस्थित थे। 3 सप्ताह के प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रशिक्षुओं का पदस्थापन बोकारो स्टील प्लांट में किया जाएगा। कार्यक्रम के स्वागत अभिभाषण में महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री नीताबा ने प्रशिक्षुओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए बोकारो स्टील प्लांट में उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि अधिशासी निदेशक मानव संसाधन एवं अतिरिक्त प्रभार संकार्य श्री राजन प्रसाद ने अपने अभिभाषण में प्रशिक्षुओं के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस्पात जगत में बोकारो स्टील प्लांट के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी प्रशिक्षुओं को सुरक्षा संस्कृति व अनुशासित तरीके को अपनाते हुए बोकारो स्टील प्लांट के निरंतर विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षुओं को वर्तमान इस्पात जगत में व्याप्त प्रतिस्पर्धा और बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा उठाए गए प्रतिस्पर्धात्मक कदम पर भी प्रकाश डाला। मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री अनिल कुमार ने अपने अभिभाषण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षा संस्कृति, अनुशासन तथा बोकारो स्टील प्लांट के कार्य पद्धति को आत्मसात करने और नए प्रशिक्षुओं से बोकारो स्टील प्लांट की अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ने बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी दी एवं बोकारो इस्पात संयंत्र से जुड़ने के लिए बधाई दी और कहा कि आप सभी प्रशिक्षुओं की भूमिका बोकारो स्टील प्लांट के ग्रोथ के लिए अपेक्षित है। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए मुख्य ज्ञानार्जन एवं विकास श्री राजेश कुमार ने प्रशिक्षुओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए बोकारो स्टील प्लांट में उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन श्री SN मिश्रा कनीय अधिकारी ज्ञानार्जन एवं विकास ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के नव प्रशिक्षु प्रकोष्ठ के सभी कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र में 23 सितंबर को जीरो वेस्ट की अवधारणा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन के ज्ञान अर्जन एवं विकास विभाग में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग परिसर में स्थापित संयंत्र के वेस्ट मटेरियल से निर्मित अंतरिक्ष यान के मॉडल के इर्द गिर्द विशेष तौर पर साफ सफाई की गई और जीरो वेस्ट की महत्ता से कर्मियों को अवगत कराया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आगामी 2 अक्टूबर 2024 तक जन जागरूकता हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन, पर्यावरण संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प, हेल्थ चेकअप कैंप इत्यादि से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का यह अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।